एक्चुअली सुबह सुबह उठने का कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जो लिंटर होते हैं वो ऐसे होते हैं फ्लैट, और जब बर्फ़ गिरती है इन पे तो इन पे जितनी ज़्यादा बर्फ़ होगी इसके नीचे गिरने का उतना ज़्यादा खतरा होता है। तो जितनी सुबह उठ के हमें ये सारी बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती है, और मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस कैसे कैसा होता है। अब ये वो चीज़ है जिससे हम जो जो बर्फ़ है वो हटाते हैं, वो ये लकड़ी की चीज़ बनी है और ये बहुत पुरानी चीज़ है। ये आप रख सकते हैं, बेलचा है, बट ये बेलचा लकड़ी का बेलचा और आगे से ये फ्लैट है, तो इसी से बर्फ़ निकालते हैं। यहाँ से लेकर ये लेंटर है पूरा, यहाँ से वहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और मतलब हाफ करना है, हाफ हम मेरे चाचा जी का है और हाफ हमारा है, तो हमें करना पड़ेगा हाफ, और ये जो हाफ होगा ये चाचा जी करेंगे। वैली का जो लेंटर के ऊपर का जो व्यू है वो दिखाता हूँ। ये तो पूरा गांव आ गया मेरा ये वाला, और ये पूरा व्यू है क्रियास वैली पूरा ऊपर से। और यहाँ पे ये पूरी एक रात की बर्फ़ है जो पूरी कल एक रात में गिरी है। अब लगभग 4-5 घंटे तो लग ही रही है, उसके बाद नहीं पता, उसके बाद मैं सो गया था तो सुबह उठ के देखा तो ये पूरा नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे ये चीज़। टाइम हो रहा है लगभग 3 या 4 बज रहे हैं, तो ये मेरा गांव है और यहीं पे जो मतलब सुबह जब हमने बर्फ़ हटाई थी तो यहीं की छतों से हटाई थी, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे बर्फ़ पिघल गई है काफ़ी, कुछ उतनी बची नहीं है अभी, टिकी नहीं है, उतनी पड़ी नहीं थी और जितनी पड़ी थी उतनी पिघल गई है। इस ब्लॉग का एंड करना चाहूँगा और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें यही जगह दिखाऊँगा और कुछ अलग पहलू और अलग चीज़ें दिखाऊँगा। तो स्टे ट्यून, बने रहिए स्पोर्ट के लिए, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, और आपको पता ही है और यूट्यूब का एल्गोरिथम, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टे ट्यून एंड बाय बाय, टेक केयर।